हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डाई हार्ड पार्ट 3 मूवी के बारे में। ये रिलीज्ड हुआ है 1995 में। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मूवी की शुरुआत में हम बॉन्डविट्स में बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्टर वॉल्टर को देखते हैं और वॉल्टर को सिमोन पीटर का कॉल आता है और सिमोन वॉल्टर से कहता है, मुझे जॉन मैकलिन चाहिए। जॉन एक पुलिस वाला रहता है लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया रहता है और सिमोन चाहता था कि जॉन सिमोन की सारी बातें सुने, नहीं तो वो एक और ब्लास्ट करवा देगा पब्लिक प्लेस में। और जॉन को एम्स्टरडेम बुलाते हैं। फिर जॉन के गले में एक बोट पहनाकर वॉल्टर और उसकी टीम एम्स्टरडेम के रोड पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहां जॉन के पास जेजू कार्वर आकर कहता है, तुमने ये क्या पहना है, कि तुम्हें कालों से नफरत है। तब उसी वक्त वहां कुछ काले लोग आकर जॉन को मारने लग जाते हैं और जेजू भी घायल हो जाता है। और उसके बाद जेजू जॉन के पीठ से गन निकालकर उन लोगों को डराता है और एक टैक्सी में बैठकर दोनों पुलिस डिपार्टमेंट चले जाते हैं। फिर वहां सिमोन का वापस कॉल आता है और सिमोन जीजू से कहता है, मैंने जॉन मैकलिन के लिए एक जाल बिछाई थी लेकिन तुम बीच में आ गए। जीजू कहता है, तो मैं क्या करूं। तभी सिमोन फोन रख देता है और तभी वॉल्टर जेजू पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, वापस फोन नहीं आया तो देखना। उसके बाद वापस फोन आता है और सिमोन कहता है, जीजू और जॉन दोनों को सब पुलिस स्टेशन जाना होगा और मैं पब्लिक बूथ पे फोन करके आगे की बात बताऊंगा। और उसके बाद वो दोनों वहां चले जाते हैं। फिर फोन बूथ पे कॉल आता है और सिमोन जॉन से एक पहेली में बात करता है और कहता है, नीचे डस्टबिन में बॉम्ब है और अपना आधा नंबर बताकर फोन करने कहता है। अगर फोन नहीं किया तो 30 सेकंड में बॉम्ब फट जाएगा। और जॉन जीजू उस पहेली को सॉल्व करके सिमोन को फोन करते हैं लेकिन वो लोग 10 सेकंड लेट हो जाते हैं और बॉम्ब फटने ही वाला रहता है लेकिन फटता नहीं है क्योंकि उसमें बॉम्ब रहता ही नहीं है। फिर सिमोन जॉन और जीजू से कहता है, उसने ट्रेन में बॉम्ब लगाया होता है। और दोनों को ऑल स्ट्रीट पब्लिक फोन बूथ के वहां 30 मिनट में पहुंचने के लिए कहता है, वरना सिमोन ट्रेन उड़ा देगा। उसके बाद जॉन और जीजू टैक्सी लेकर आधे रास्ते तक जाते हैं और वहां से जॉन और जीजू अलग हो जाते हैं और जॉन ट्रेन में बॉम्ब ढूंढने जाता है और जीजू उस पब्लिक फोन बूथ की तरफ जाता है। फिर जॉन ट्रेन में बॉम्ब ढूंढने लग जाता है और जीजू फोन बूथ तक पहुंच जाता है लेकिन उसके पीछे एक पुलिस भी आता है और जीजू से कहता है, हाथ ऊपर करो। और तभी उसी वक्त फोन बजता है और वहीं दूसरी तरफ जॉन को वो बॉम्ब मिल जाता है और जॉन उस बॉम्ब को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो ट्रेन का कंपार्टमेंट अलग होकर प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और वहां लोगों की भगदड़ मच जाती है और काफी नुकसान भी होता है और काफी लोग भी मर जाते हैं। उसके बाद जेजू उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को देखता है, तभी जॉन हंसते हुए ऊपर आता है। फिर जॉन और जीजू एफबीआई से मिलते हैं। तभी एफबीआई वाले जॉन को कुछ आतंकवादी के फोटोज दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो। जॉन कहता है, नहीं। उसके बाद गाइस मूवी में एक ट्विस्ट आता है। उनका एक ऑफिसर जॉन को पूछता है, तुम्हें ग्लोबर नाम से कुछ याद आता है। तब जॉन हंस ग्लोबर को याद करता है और हंस ग्लोबर वही है जो हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। और सिमोन पीटर ग्लोबर हंस ग्लोबर का भाई रहता है और सिमोन जॉन को मारने आया रहता है क्योंकि जॉन ने हंस ग्लोबर को मारा हुआ रहता है।
फिर वहाँ सिमोन का फोन आता है और सिमोन एफबीआई को हेलो कहता है, क्योंकि सिमोन को पता रहता है कि वहाँ एफबीआई है। और सिमोन सबसे कहता है, मैंने न्यूयॉर्क के एक स्कूल में बॉम्ब लगाया है। और जॉन जेजू को न्यूयॉर्क के पम्पकिन पार्क में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ एक क्लू रहता है, उस क्लू को सॉल्व करने कहता है। अगर वो क्लू सॉल्व नहीं होता है तो सिमोन उस स्कूल के बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देगा। फिर जॉन और जेजू पम्पकिन पार्क पहुँच जाते हैं और वॉल्टर सभी पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि सिमोन ने न्यूयॉर्क के एक स्कूल में बॉम्ब लगाया है, तो हमें उस बॉम्ब को ढूंढना है। और सभी बॉम्ब ढूंढने चले जाते हैं। तभी वहां एक बिल्डिंग की टेरेस पर सिमोन पीटर ग्लोबर और उसके साथी रहते हैं। फिर सिमोन नीचे आकर एक इंस्पेक्टर से पूछता है कि वो धमाका कहाँ हुआ है, हम देखने आए हैं, और अपनी पहचान इंजीनियर दिखाता है। तभी इंस्पेक्टर की साइड से काफी सारे कंटेनर्स जाते हैं और वो कंटेनर सिमोन के रहते हैं। उसके बाद सिमोन बैंक में अपने आदमियों के साथ जाता है और वहाँ काफी सारा सोना रहता है। और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को सिमोन के आदमी मार देते हैं और सिमोन अपने आदमियों के साथ जहाँ सोना रहता है वहाँ जाता है और उसके आदमी सारा सोना बाहर निकालते हैं। और वहाँ जॉन और जेजू सिमोन के लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ एक बैग रहता है। उस बैग को जॉन ओपन करता है और उसमें बॉम्ब के साथ एक फोन भी रहता है। और तभी सिमोन का फोन आता है और सिमोन जॉन को एक 4 लीटर का पानी का कैन उस बैग पे रखने के लिए कहता है। अगर 4 लीटर से कम या ज्यादा हुआ तो बॉम्ब फट जाएगा। और सिमोन उन दोनों को भटकाना चाहता है, क्योंकि सिमोन वहां बैंक लूट सके। उसके बाद जॉन और जीजू मिलकर बॉम्ब को फटने से रोक लेते हैं। फिर सिमोन जॉन को पहेली में स्टेडियम जाने के लिए कहता है और जॉन जा रहा होता है। तभी जॉन के सामने से 2 बच्चे चोरी करके जा रहे होते हैं। तब जॉन उस बच्चे से कहता है, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? वो बच्चा जॉन से कहता है, तुम्हें यहाँ कोई पुलिस दिखाई दे रही है? तभी जॉन को शक होता है कि सिमोन उन्हें पटका रहा है और सिमोन कुछ और ही प्लान कर रहा है। उसके बाद जॉन और जेजू वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां ब्लास्ट हुआ रहता है। फिर जॉन बैंक के अंदर जाता है, तब वहां सिमोन के आदमी रहते हैं और जॉन को शक पड़ता है कि ये सिमोन के आदमी हैं और जॉन सबको मार देता है। और वहीं जेजू बैंक के अंडरग्राउंड में जाकर देखता है, तब जॉन और जेजू एक साथ मिलते हैं और जॉन को सिमोन के बारे में सब पता चल जाता है कि वो सोना चोरी करने आया था। और सिमोन सोना चोरी करके भाग रहा होता है और उसके बाद जेजू और जॉन दोनों सिमोन के पीछे जाते हैं जहां सिमोन सोना चोरी करके भाग रहा होता है। फिर जॉन एक ट्रक लेकर पानी की सुरंग में जाता है और उस पानी के पाइप को सिमोन ने जानबूझकर तोड़ दिया रहता है, क्योंकि वो आसानी से सोना लेकर भाग जाए। और वहां जेजू स्टेडियम पहुंचता है और वहां जेजू को गेम ओवर लिखा हुआ एक गेम मिलता है और जीजू स्टेडियम से बाहर आ जाता है। फिर सिमोन और उसके साथी डैम पहुंच जाते हैं। तभी सिमोन वॉकी टॉकी में अपने गार्ड से कहता है, हम पहुंच गए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। तभी जॉन वॉकी टॉकी के जरिए सिमोन से कहता है, मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार दिया। वो सुनकर सिमोन काफी परेशान हो जाता है और डैम को बॉम्ब से उड़ा देता है। और बॉम्ब के फटने से जॉन भी पानी के फोर्स से बाहर आ जाता है और सिमोन शिप के जरिए भाग रहा होता है। और जॉन जीजू उस शिप तक पहुंच जाते हैं और जीजू को सिमोन पकड़ लेता है और जॉन को सिमोन के पार्टनर ने पकड़ लिया रहता है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल से सारे बच्चों को निकाल देते हैं और वहाँ जॉन और उस आदमी के बीच में काफी लड़ाई होती है और जॉन घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी जॉन उस आदमी को काफी मारता है और उसे घायल करके
वहां से चला जाता है और वहां स्कूल में कोई बॉम्ब नहीं रहता है। सिमोन ने सिर्फ सबको भटकाया रहता है। उसके बाद सिमोन जॉन और जीजू को बॉम्ब की रॉड पर बांध कर वहाँ से दूसरा छोटा शिप लेकर चला जाता है और किसी तरह से जॉन और जेजू उस रॉड से अपने आप को छुड़वा लेते हैं और पानी में कूद जाते हैं और बॉम्ब वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। फिर वहाँ पुलिस फोर्स आकर जॉन और जीजू को बचा लेते हैं। उसके बाद जॉन अपनी वाइफ हॉली से फोन पे बात कर रहा होता है, तभी जॉन एक दवाई खाता है और वो दवाई सिमोन ने दी रहती है। उसे देखकर जॉन को पता चल जाता है कि सिमोन कहाँ है और फोन फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सिमोन को नॉर्थ डेसलिंग्स में देखते हैं और वहाँ सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। तब वहाँ जॉन और जेजू हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं, लेकिन तभी सिमोन भी हेलीकॉप्टर से इन दोनों पर फायर करता है और इन लोगों का हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और उस वजह से जीजू का पैर फंस जाता है और जॉन हेलीकॉप्टर से दूर होकर स्ट्रीट लाइट पर फायर करता है और उसके कारण सिमोन का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और सिमोन वहीं पर मर जाता है और जीजू हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाता है। और इसी के साथ यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।